नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 29 अगस्त 2020 और DSSSB की लेटेस्ट अपडेट लेके एक बार फिर से हाजिर है। आज 7 नए नोटिस जारी किए गए हैं, एक बड़ा रिजल्ट नोटिस भी जारी किया गया है और उन कैंडिडेट्स को दोबारा मौका दिया गया है जो लॉकडाउन की वजह से अपना ई-डोजियर अपलोड नहीं कर पाए थे। तो ठीक है, बिल्कुल विस्तार से ये सभी नोटिस देख लेते हैं। ये है आज का पहला नोटिस, 28/8/2020 को जारी किया गया है। स्टैटिकल असिस्टेंट पोस्ट कोड 4/17 से जुड़ा हुआ है। इसमें टोटल 260 वैकेंसियां थी, तो यहां रोल नंबर दिया गया है 44 कैंडिडेट्स का, 44 का यहां है और उसके बाद कुछ कैंडिडेट का शायद यहां शो नहीं हो रहा है, डाउनलोड नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से ये। तो यहां जो 52 कैंडिडेट दिए गए हैं, 52 कैंडिडेट की लिस्ट दी गई है जिन्हें एक मौका और दिया जा रहा है ई-डोजियर अपलोड करने के लिए 4/9/2020 से और 18/9/2020 तक, क्योंकि जो इन्हें समय सीमा दी गई थी 18 मार्च 2020 से और 1 अप्रैल 2020 के बीच में, उस समय लॉकडाउन लग गया था, आप लोगों को पता ही है। तो काफी सारे कैंडिडेट्स छूट गए थे, उस समय अपना ई-डोजियर अपलोड नहीं कर पाए थे, तो इसीलिए एक मौका और इन्हें अब दिया जा रहा है। बाकी इनका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। ये देखिए, स्टैटिकल असिस्टेंट पोस्ट कोड 4/17 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी से 64 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। ओबीसी कैटेगरी से टोटल 50 कैंडिडेट है, कुछ 5 कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ और दी गई है ओबीसी कैटेगरी से। एससी कैटेगरी से 37 कैंडिडेट है, एसटी कैटेगरी से 19, पीएचओएच ओबीसी कैटेगरी से 1, पीएचवीएच अनरिजर्व कैटेगरी से 2 और 12 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कैंडिडेचर अभी पेंडिंग में। पेंडिंग में क्यों है वो यहाँ रिमार्क्स में रीजन दे दिया गया है। इनके कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ई-डोजियर मॉड्यूल में, तो इन्हें एक मौका और दिया जा रहा है। और ओबीसी कैटेगरी से भी 26 कैंडिडेट पेंडिंग में है, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है पेंडिंग कैंडिडेट की। एससी कैटेगरी से भी 5 कैंडिडेट पेंडिंग में है, 7 कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से पेंडिंग में है, पीएचओएच कैटेगरी से भी कैंडिडेट पेंडिंग में है। तो टोटल 51 कैंडिडेट हैं जिनका कैंडिडेचर पेंडिंग में है, तो इन्हें मौका दिया जा रहा है अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने का 3/9/2020 से और 12/9/2020 तक का। बाकी कट ऑफ रही है कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, अनरिजर्व 92.5, ओबीसी 70, एससी 74.5, एसटी 61.75, ओएच 74.25, वीएच 60, HHN और AUTMDNA। आज का तीसरा नोटिस ये देखिए, एक नोटिस है, सिर्फ एक रोल नंबर से जुड़ा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। और इसके बाद अगला नोटिस फिजिकल एजुकेशन टीचर पोस्ट कोड 9/17 से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी एक कैंडिडेट के बारे में ही अपडेट प्रोवाइड कराई गई है। और इसके बाद एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस है, नंबर है 659/28/2020 डेट डली हुई है, जो कि जुड़ा हुआ है फिजिकल एजुकेशन टीचर पोस्ट कोड 9/17 से। तो एक कैंडिडेट है जिनका इसमें और सिलेक्शन किया जा रहा है अनरिजर्व कैटेगरी से। कट ऑफ है इस प्रकार से, अनरिजर्व 76, ओबीसी 66.5, एससी 60.75 और एसटी के 57.5। आज का अगला नोटिस एक रिजेक्शन नोटिस है, नंबर है 660, फिजिकल एजुकेशन टीचर पोस्ट कोड 9/17 से जुड़ा हुआ है। कुछ कैंडिडेट है यहाँ जिनका रोल नंबर दे दिया गया है और इनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया है, रीजन फॉर रिजेक्शन यहाँ दे दिया गया है रोल नंबर के बिल्कुल सामने, तो यहाँ से देख सकते हैं। और आज का अंतिम नोटिस एक रिजेक्शन नोटिस है, नंबर है 1175, स्टैटिकल असिस्टेंट पोस्ट कोड 4/17 से जुड़ा हुआ। एक ही कैंडिडेट है जिनका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया गया है, रिमार्क्स में रीजन दे दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये 7 नोटिस जारी किए गए थे, सभी की अपडेट आपको बिल्कुल शॉर्ट में और विस्तार से प्रोवाइड करा दी है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।